हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर की शॉपिंग का ग्रॉसरी हॉल। तो आ जाइए, दिखाती हूँ आपको क्या शॉपिंग करके लाए हम वहाँ से। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हम लोग इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से क्या क्या शॉपिंग करके लाए। लाइक जो सामान फिनिश हो गया था, हम लोग उसी की शॉपिंग करके लाए। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग लाए गर्म मसाला, इसके दो पैक लेकर आए हैं। ये चिल्ली पाउडर और एक्स्ट्रा हॉट चिल्ली पाउडर भी लाए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी सब्ज़ी पसंद है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग ये भी लेकर आए। ये हम लोग लाए हैं टर्मरिक पाउडर, और इधर हम लोग लेके आए ब्रिस्क का छोले मसाला। इससे आप छोले में डाल दीजिए, अगर आप सब्जी बना रहे हैं छोले की तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। और इधर हम लोग लेके आए एवरेस्ट का ही सब्ज़ी मसाला, ये भी बहुत टेस्टी होता है, हमने इसे ट्राई करके देखा है। इसे आप किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर दीजिए गाइस, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और ये हम लोग लाए हैं MDH की कसूरी मेथी, चंकी चाट मसाला, और ये किचन का ही मसाला। और ये हम लोग लेके आए हैं किड्स का रवा डोसा, ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया होता है, बस आपको इसमें पानी ऐड करना होता है, मिक्स करना होता है, और आप डोसे बना सकते हैं। और ये हम लोग लेके आए क्यूमन सीड्स, ये हम लोग लेके आए फेनिक्रिक सीड्स। इधर मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग हींग लेके आए हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग लाए हैं अशोका का पंजाबी मैंगो पिकल इन ऑलिव ऑयल। तो गाइस, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इस वजह से मुझे वहाँ पर ये ऑप्शन दिखा तो मैंने इसे पिक कर लिया। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मदर्स रेसिपी का लाइम और चिली का पिकल है, ये भी बहुत टेस्टी होता है, इसमें लाइम और चिली दोनों ही मिक्स होते हैं, तो इस वजह से मैं इसे भी लेकर आई हूँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग लेके आए हैं अमूल का प्योर घी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैं ये लेके आई हूँ। बट क्योंकि मुझे वहाँ पे ब्रिटानिया का काऊ घी भी दिख गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई कर लिया जाए, तो इस वजह से मैं इसे भी लेकर आई हूँ। और ये हम लोग लेके आए हैं रॉयल ऑथेंटिक इंडियन बासमती राइस, इसका भी पैक फिनिश हो गया था, इस वजह से हम लोग एक इसका पैक लेके आए हैं। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग लेके आए हैं बैम्बिनो की रोस्टेड वर्मिसेली। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन है तो आप इसे बना लीजिए, इससे बहुत अच्छी सेवई बनती है, बिकॉज ये ऑलरेडी रोस्ट की हुई होती है। और इधर हम लोग लेके आए हैं सूजी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हम लोग लेके आए हैं वाणीलाल का मलाई पनीर, ये फ्रोजन है, जब भी आपको पनीर की सब्ज़ी बनानी है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, ये है मूंग दाल, ये भी फिनिश हो गई थी, तो हम लोग एक पैक इसका भी लेकर आए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये अशोका के पंजाबी समोसा है, अगर आपको याद हो तो एयर फ्रायर वाले वीडियो में मैंने इन्हें ही यूज़ किया था, और ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो गाइस, ये फ्रोज़न होते हैं, और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जब भी आपका कुछ स्नैकिंग करने का मन करे तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग दो पैक मैगी का लेके आए, बिकॉज़ ये भी हमें इंडिया से ही बहुत पसंद है, तो इस वजह से हम लोग ने दो पैक लिए। और ये हम लोग लेके आए हैं वेज हक्का नूडल्स, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये हम लोग लेके आए हैं मोपलीस के रस्क, जिसमें हम लोग लाए हैं इलायची का फ्लेवर, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो इसके दो पैक लेके आए हम लोग। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग लाए हैं ब्रिटानिया के गुड्डे बिस्किट्स, जिसमें कैश्यू और बटर का फ्लेवर लाए। और इधर ये हम लोग लेके आए हैं कावन के फ्रोजन पराठे, जो कि प्लेन है, तो आप इन्हें बस सेक लीजिए, ये भी रेडी हो जाते हैं। बट गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ चीज़ों में प्रिजर्वेटिव होता है तो वो बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती, बिकॉज उनकी एक्सपायरेशन डेट तो लंबी होती है, बट वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। बट हमने जब ये देखा कि इसमें लिखा हुआ है नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इस वजह से हमने इसे पिक किया। और गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोग लेके आए हैं मथुरा के पेड़े, और ये हम लोग लाए हैं मोतीचूर के लड्डू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग महीने में एक बार स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, वो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दो पैक ही लेकर आते हैं। और ये जो मथुरा के पेड़ है, ये हम लोग जब हमारा फास्ट होता है तो हम इसे उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, यही था हमारा आज का इंडियन ग्रॉसरी स्टोर का शॉपिंग हॉल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। और गाइस, अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे नए वीडियोस को देख सकें। तो गाइस यहीं मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।